हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल इंडियन मेकअप में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये है आज का मेकअप लुक, जो कि है समर स्वेटप्रूफ मेकअप लुक। और मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे हैक्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आपका मेकअप स्वेट प्रूफ रहेगा समर में। तो यस, ये लुक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे किया और क्या है वो हैक्स और ट्रिक्स, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, तो अगर आपने उसमें इनरोल नहीं किया है तो प्लीज इनरोल कीजिए। एक बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही ह्यूज सा उसमें गिव अवे प्राइस है, तो प्लीज इनरोल कीजिए और क्या पता आप जीत जाए। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने स्वेट प्रूफ मेकअप के लिए शुरू करने से भी पहले, वो है एक आइस क्यूब। तो आपको चाहिए होगा एक आइस क्यूब। और इस आइस क्यूब से हम क्या करेंगे, हम अपने फेस को मसाज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बहुत गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा आइस क्यूब मेल्ट हो चुका है। और बस आपको ऐसे एक आइस क्यूब अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है। इससे क्या होगा, आपको स्वेट नहीं आएगा और आपका मेकअप रहेगा स्वेट प्रूफ। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। तो बस मैंने अपने फेस को एक आइस क्यूब से मसाज कर लिया है और अब एक साफ नैपकिन से मैं इसे बस ड्राई कर लूँगी। तो जी हाँ, मेरा फेस जो है ड्राई हो चुका है। और अब चलिए शुरू करते हैं अपना समर स्वेट प्रूफ मेकअप। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप रहे, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है वहीं रहे, वहाँ से कहीं ना जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्राइमर अप्लाई कीजिए, क्योंकि प्राइमर आपके मेकअप को बिल्कुल वहीं रखता है, वहाँ से हिलाता नहीं है कुछ नहीं, और वो वहाँ चिपका रहता है आराम से। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलवार का प्राइमर। ये है कलवार परफेक्ट मैच प्राइमर और ये मैंने हाल ही में अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो ये आ चुका है और इसे मैं लूँगी थोड़ा सा बिल्कुल, और इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये मैं फर्स्ट बार यूज़ कर रही हूँ। और मैं बेसिकली अपने नोज़ और चीक्स पे फोकस करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत लार्ज पोर्स हैं, और थोड़ा सा अपने चिन पे और फोरहेड पे। तो अच्छे से मैं इसे मसाज कर लूँगी। तो मैंने अच्छे से जो है प्राइम कर लिया अपना फेस, और अब मैं अपने बेस के लिए आज यूज़ कर रही हूँ ये पॉइंट्स बीबी क्रीम। बीबी क्रीम हल्के होते हैं, उतने हेवी नहीं होते आपके फेस पे, तो समर के लिए ये बिल्कुल एप्ट होते हैं। और मैं आज कोई क्रीम मेकअप यूज़ नहीं कर रही अपने फेस पे, क्योंकि ये समर स्वेट प्रूफ मेकअप है। तो क्रीम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपके फेस पे मूव करते हैं, क्योंकि आपको स्वेट आता है और आप धूप में होते हो, गर्मी होती है, स्वेट आता है बहुत। तो उससे क्या होता है, आपका जो मेकअप है क्रीम वाला वो आपके एरिया से मूव कर जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं जो है थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ इस वीडियो के लिए अपने कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स। तो चलिए अब अपने बीबी क्रीम को अप्लाई करते हैं। तो बहुत ज़रा सा मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इससे मैं अपने फिंगर्स से पहले अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद एक ब्यूटी स्पॉन्ज से मैं इसे स्प्रेड करूँगी। अपने नेक को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका नेक और आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन सेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज बहुत वियर्ड लगता है। तो यहाँ है मेरा ब्यूटी स्पॉन्ज, और अब मैं इससे अपना पूरा ये जो बीबी क्रीम है उससे ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने अपना बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया है, और इसने मुझे एक शीयर और मीडियम कवरेज दिया है।
जो कि रोज की लाइफ के लिए बिल्कुल सही है, आपके कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए ये बिल्कुल सही है इतना मेकअप। और अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं एक ब्लैक और ब्राउन आई शेडो यूज कर रही हूँ, जो कि मुझसे गिर गया था और ये शेडोड हो चुका है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो एक एंगल ब्रश से मैं लेके इसको अपने आईब्रोज में फिल कर लूंगी। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने फ्रंट आईब्रो सेक्शन को थोड़ा सा ब्रश करूंगी कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आई शेडो है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैंने अपने आईब्रोज को बहुत ही नॉर्मल फिल किया है, बहुत ज़्यादा ड्रामा वाला फिल नहीं किया है, क्योंकि ये एक ऑफिस और कॉलेज के लिए समर स्वेट प्रूफ मेकअप है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं अपने फेस को सेट करूँगी और उसके लिए मैं एक ब्रश की हेल्प से ये एडीएस का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मेरे फेस को सेट कर देगा, जहाँ जहाँ मुझे स्वेट आता है, मेरे ये माउथ के अराउंड, मेरे आईज के नीचे, मेरे अंडर आईज पे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, बहुत ज़्यादा। तो उसे रोकने के लिए मैं यूज करूँगी एक लूज पाउडर। तो अब हम लोग जाएंगे अपने आई शेडो की ओर, और आज आई शेडो के लिए मैं ये मार्स का यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स हैं जो कि सारे मैट हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और अब एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं लूँगी ये कलर, ये यहाँ पे कलर है, ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट ब्राउन कलर है, तो ये मेरे क्रीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपनी क्रीज पे इसको लगाऊंगी। और अब इसके ऊपर मैं ये ब्राउन कलर यूज करूंगी। आई होप आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन कलर, ये थोड़ा सा वार्म ब्राउन कलर है, एक सिनेमन ब्राउन कलर। तो इसको मैं अपने आउटर वी पे लगाऊंगी और फिर अपने क्रीज में ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं यूज कर रही हूँ ये ब्राउन कलर, अभी मैं सारे ब्राउन शेड्स यूज कर रही हूँ, तो इससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आंखों पे। तो ये वाला ब्राउन कलर मैंने लिया है, ये बहुत ही वार्म ब्राउन कलर है, तो इससे मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी और हल्का सा इसे अपनी क्रीज में लेके आऊंगी। और अब मैं अपने लैक में एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शेडो से, ये मेरा शेड है इसमें गोल्ड, और इसमें से मैं ये वाला कलर यूज करूंगी। ये बहुत ही सुंदर सामन कलर है, तो इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने आईलेट्स पे अप्लाई कर लूंगी, और ये बहुत सुंदर लगता है कलर, तो इसे मैं अच्छे से अपने लिड्स पे अप्लाई कर लूंगी। और अब अपने ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपने एजेस को ब्लेंड कर लूँगी कि कोई भी हार्श लाइंस ना हो, क्योंकि हार्श लाइंस आई शेडो में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। और अब मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट लैक में आईलाइनर। आप लोग को मालूम ही है ये मेरा बहुत फेवरेट आईलाइनर है और बहुत अफोर्डेबल भी। तो मैं बहुत थिन और एक छोटा सा फ्लेक वाला आईलाइनर अप्लाई करूंगी, क्योंकि रोज के लिए ये अच्छा लगता है। और अब हम जाएंगे अपने मस्कारा की ओर, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप एक वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करें, क्योंकि अगर स्वेट आया तो भाई गया आपका पूरा मेकअप, गया आपका पूरा फेस गया, जो कि हम नहीं चाहते। तो बहुत जरूरी है कि आप एक वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कीजिए, और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, जो कि वाटरप्रूफ है। तो चलिए फटाफट लगाते हैं।
इस आई मेकअप के लिए हम काजल अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि काजल यूजुअली फैल जाता है और वाटरप्रूफ काजल भी अगर हम यूज करते हैं तो वो भी फैल जाता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो इस समर स्वेट प्रूफ मेकअप के लिए हम काजल को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। और ये हो गया मेरा आई मेकअप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट है। आप अपने रोज के लाइफ के लिए, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप वर्किंग वूमन हैं, आप इस लुक को बिल्कुल रिक्रिएट कर सकते हैं बहुत फास्ट। तो चलिए अब बिल्कुल जल्दी जल्दी अपना पूरा मेकअप फिनिश करते हैं। तो क्योंकि हम कोई क्रीम मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप करेंगे और ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ADS का बहामा मामा। ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको हाइलाइटर मिलता है, ब्रॉन्जर मिलता है, बहुत सुंदर है ये, देखिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ, ये वाला। तो एक एंगल ब्रश से मैं लूंगी फटाफट और ब्रॉन्ज कर लूंगी अपना फेस थोड़ा। कोई बात नहीं, इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड हो जाएगा। हम थोड़ा सा अपने जॉ पे भी करेंगे, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे जहां मेरे बाल लहरा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बस इतना ही ब्रॉन्जर के लिए और अब हम फटाफट अपना ब्लश लगा लेंगे। और आज अपने ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सिवाना कलर्स का, ये है शेड 03 में और ये बहुत सुंदर सा ब्लश है। इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं, ये बेसिकली ऑरेंज फैमिली का ब्लश है तो ऑरेंज बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसे मिक्स करूंगी थोड़ा सा ऐसे, उसके बाद इसे एक्सेस रिमूव करके, वरना फिर मैं जोकर बन जाऊंगी। और इसे मैं लाइटली अपने चीक्स पे लगा लूंगी। तो मेरा ब्लश भी हो गया और हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अपना फेस, बहुत ज्यादा नहीं। तो हाइलाइटर के लिए आप सबको पता है मेरा फेवरेट सिवाना कलर्स का, और इसमें से मैं ये शेड यूज कर रही हूँ, ये शैम्पेन कलर है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर लूंगी, आईब्रोज नहीं, ब्राउ बोन। मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ तो हो गया है। तो बहुत लाइटली मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी, ये कलर बहुत प्यारा है। और अब लाइटली अपने नोज को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। और अब अपने चीक बोन्स को ऑब्वियसली, और अब थोड़ा सा अपने ब्राउज के ऊपर, और बहुत लाइट हैंडेडली अपने चिन पे। तो बस हाइलाइटर के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा हाइलाइटर नहीं लगाएंगे हम लोग आज, तो बस इतना ही। और अपने लिप कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ये मैट लिप कलर है, और ये से आता है इसको आप ऐसे रिट्रैक्टेबल, ये क्रेयॉन है, क्रेयॉन जैसा, बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर है और समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप चाहें तो आप कोई भी लिप कलर लगा सकते हैं। और अब फटाफट से मैं लगाऊंगी एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो कि मार्स से है, और इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अच्छा है। तो अब माय माउथ शट और ये ऑन। तो ये है मेरा ओवरऑल कंप्लीट लुक फॉर समर स्वेट प्रूफ मेकअप। मैंने आपको बहुत सारे हैक्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आपका मेकअप स्वेट प्रूफ रहेगा सुबह से लेकर शाम। सो प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिए और ये लुक जरूर ट्राई कीजिए, या फिर ये हैक्स और ये ट्रिक्स ट्राई कीजिए, और मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका मेकअप स्वेट प्रूफ रहा या नहीं। तो ये था बहुत इजी पीजी समर स्वेट प्रूफ मेकअप, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे और फन वीडियोस लेके आती हूँ सिर्फ आपके लिए। और हाँ, मेरे चैनल पे एक गिव अवे अभी भी चल रहा है, तो अगर आपने उसमें इनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ उसे इनरोल कीजिए। मैं गिव अवे का लिंक नीचे ज़रूर ड्रॉप कर दूंगी, तो प्लीज़ उसमें इनरोल कीजिए। और हाँ, ये बस इतना ही इस वीडियो के लिए, और अब मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगी। बाय बाय, सी या।